स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम को एक्सप्लेन करूंगा, जो क्लास 11 पोएट्री का है और चैप्टर नंबर 5 है। इसके राइटर हैं वाल्ट फिटमन और यह पोयम तब लिखी गई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। उस राष्ट्रपति की हत्या की गई थी जिसने अमेरिका से गुलाम प्रथा को हटाने के लिए, गुलाम प्रथा के उन्मूलन के लिए गृह युद्ध लड़ा था और उसमें विजय भी हासिल की थी। गुलाम प्रथा का अर्थ तो आप समझते होंगे। गुलाम प्रथा का अर्थ होता है कि इंसानों को गुलाम बना के रखा जाता था और उनकी खरीद फरोख्त कुछ इस तरह से होती थी, जैसे कि पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है और इंसानों के साथ पशुओं जैसा ही व्यवहार किया जाता था। इसके उन्मूलन के लिए अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने काफ़ी कुछ प्रयास किया और प्रयासों में सफलता भी हासिल की, लेकिन अमेरिका का वह वर्ग जो नहीं चाहता था कि दास प्रथा या गुलाम प्रथा समाप्त हो, उनमें से किसी एक ने राष्ट्रपति को गोली मारकर उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब उनके मृतक शरीर को देखते हुए पोएट के हृदय में जो भाव पैदा हो रहे थे, उन भाव को पोएट इस कविता में, इस पोयम में प्रस्तुत किया है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी लाभ हो। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। कैप्टन पानी के जहाज में होते हैं, तो मेरे कप्तान हमारी भयानक यात्रा पूरी हो चुकी है। फियरफुल का अर्थ भयानक या भयंकर, ट्रिप का अर्थ है यात्रा। तो मेरे कप्तान हमारी भयंकर यात्रा पूरी हो चुकी है। और इस लाइन का भावार्थ है कि मेरे राष्ट्रपति हमारा भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक। जहाज ने हर मौसम को झेल लिया है। वेदर्ड का अर्थ है मौसम को झेलना। तो जहाज ने हर मौसम को झेल लिया है। जहाज देश के लिए यूज किया गया है। जहाज शब्द देश के लिए कहा गया है पोएट के द्वारा। तो हमारे देश ने सभी मुश्किलों को झेल लिया है, सभी खतरे का सामना कर लिया है। द प्राइज वी सॉट इज ऑन। और हमारा विजय ही हमारा इनाम है। इस गृह युद्ध में जो हमें विजय मिली है, वह विजय ही हमारा इनाम है। द पोर्ट इज नियर द बेल्स आई हियर। पोर्ट का अर्थ है बंदरगाह, जहाँ पे पानी के जहाज खड़ा होते हैं। तो बंदरगाह नज़दीक है और घंटियाँ मैं सुन रहा हूँ। तो पोर्ट का अगर भावार्थ निकालें तो अब ऐसा देश जिसकी चाह आप रखते थे, जिसमें सब कोई समान हो, सबके समान अधिकार हो, तो ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था अब नज़दीक ही है और उसके आने की सुगबुगाहट मैं सुन पा रहा। द पीपल आर एग्जॉल्टिंग व्हाइल फॉलो आइज द स्टडी किल। लोग खुशियां मना रहे हैं। दास प्रथा समाप्त हो गई है तो लोग खुशियां मना रहे हैं। व्हाइल फॉलो आइज द स्टडी किल। स्टडी का अर्थ होता है जमी हुई
कील का अर्थ होता है नुकीला, जबकि मेरी आँखें उस कील पर, जहाज के नुकीले भाग पर टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं। इसका भावार्थ यह है कि दास प्रथा का उन्मूलन तो हो गया है, पर अभी भी कुछ मुश्किलें हैं जो चुभ रही हैं कील के समान। उन मुश्किलों पर मेरी आँखें ठहरी हुई हैं, जमी हुई हैं। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, वेसल का अर्थ है जहाज, ग्रीम का अर्थ है मजबूत और डेयरिंग का अर्थ है साहसी। तो यह जो जहाज है मजबूत है और साहसी है। और भाव है इस लाइन का, इस पंक्ति का, कि हमारा देश मजबूत है और शक्तिशाली है, साहसी है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, इन पंक्तियों में पोएट अपनी छाती को पीटते हुए संताप कर रहा है। ऑन द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाज की छत पर, डेक का अर्थ होता है छत, जहाज की छत पर जहाँ मेरा कप्तान मृत पड़ा हुआ है और खून की लाल बूंदें रिस रही। तो डेक जहाज का वह स्थान होता है जहाँ जहाज का हर व्यक्ति आता है, चाहे कर्मचारी हो चाहे यात्री हो। तो ऐसे स्थान पर राष्ट्रपति के मृतक शरीर को रखा गया है जहाँ हर देशवासी आता है और उनको देख सकता है, मृत शरीर को देख सकता है। उनके मृत शरीर से खून की लाल बूंदें रिस रही है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, और हमारे राष्ट्रपति पड़े हुए हैं, ठंडे होके पड़े हुए हैं और मृत हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, मेरे कप्तान उठिए और घंटियों को सुनिए। मेरे राष्ट्रपति आप उठें, और जिस समाज की आपने कल्पना की थी, जिस समाज की आपने ख्वाहिश चाही थी, जिसके लिए आपने गृह युद्ध तक लड़ा और अपने प्राण तक निछावर किए, अब वह समाज, वह व्यवस्था लागू हो रही है, उसकी सुगबुगाहट को आप भी सुने। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स। फ्लंग का अर्थ है फहराना। उठिए कप्तान, उठिए राष्ट्रपति, आपके लिए झंडा फहराया जा रहा है। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, और आपके लिए बिगुल बजाए जा रहे हैं। ट्रिल का अर्थ है बजाना, तो आपके लिए बिगुल भी बजाए जा रहे हैं। फॉर यू बुके एंड रिबन रीथ्स, फॉर यू द सोर्स क्राउडिंग। राष्ट्रपति आपके लिए गुलदस्ते हैं, रिबन्स हैं, मालाएं हैं। बुके का अर्थ होता है गुलदस्ता, रिबन का अर्थ है माला फीता, और रीत का अर्थ है मालाएं। तो आपके लिए गुलदस्ते हैं, रिबन हैं, फीते हैं और मालाएं हैं। और किनारे पर भीड़ जमा हो गई है, किनारे पर भीड़ जमा हो गई है, मतलब जो सफलता आपने हासिल की अपने प्राणों को देकर अपने जीवन के अंत समय में, तो आपकी डेड बॉडी के पास बहुत भीड़ जमा हो गई है। फॉर यू दे कॉल द स्विमिंग मास, आपके लिए ये सभी लोग अति आनंदित है। स्विमिंग मास का अर्थ है अति आनंदित लोग। ये सभी लोग जो एकत्रित हुए हैं अति आनंदित लोग हैं, क्योंकि आपने विजय हासिल किया है, दास प्रथा का उन्मूलन किया है। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, उनकी जो इच्छुक चेहरे हैं वे बदल रहे हैं धीरे धीरे। चेहरे में बदलाव का अर्थ है कि कई अर्थ दे रहा है, कि एक तरफ तो विजय मिली है जिससे चेहरे खुश हैं, दूसरी तरफ हमारा कप्तान या हमारा राष्ट्रपति ही मर गया है, जिससे चेहरे के भाव थोड़े बदल भी रहे हैं, दुखी भी दिख रहे हैं। और जो गुलामी की प्रथा अभी तक देशवासी झेल रहे थे, जो दयनीयता उनके चेहरे पर हुआ करती थी, जो दयनीय भाव हुआ करता था, वह भी बदल रहा है। हियर कैप्टन डियर कैप्टन, यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं, जुटे हुए हैं,
ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेरे राष्ट्रपति, मेरे राष्ट्रपति। दिस आर्म बीनिथ योर हेड, मेरी जो भाएँ हैं, मेरी जो भुजाएँ हैं, आपके सिर के नीचे हैं। मतलब मैं आपके सिर को अपनी बाहों में लेकर विलाप कर रहा हूँ। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। एक सपने जैसा है जो जहाज की छत पर है। मतलब ये देश, ये जो उपलब्धि है इस देश के लिए एक स्वप्न जैसी है, क्योंकि जो गुलामी की प्रथा थी और जो गुलाम थे उनके लिए यह स्वप्न जैसा ही था कि गुलामी प्रथा कभी समाप्त होगी। तो ये जो उपलब्धि है ये देश के लिए एक स्वप्न जैसा है। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, लेकिन आप ठंडे पड़ चुके हैं, आप मृत हो गए। माई कैप्टन डज नॉट एंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। मेरे राष्ट्रपति कोई जवाब नहीं देते हैं, उनके जो ओठ हैं वो पीले हैं और शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म्स। मेरे पिता मेरी भुजाओं का स्पर्श महसूस नहीं कर पा रहे। उनका सिर मेरी बाहों में है लेकिन उन्हें कोई फीलिंग, कोई अनुभूति नहीं हो रही। ही हैज नो पल्स नॉर विल। उनके दिल की धड़कनें समाप्त हो चुकी हैं और कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं बची। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड। और यह जहाज है, खड़ा है बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल शांत। तो यह जो देश है वो बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से खड़ा है। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन। इसकी जो समुद्री यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है और पूरी हो चुकी है। भावार्थ है कि इस देश की जो भयंकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, वो भयंकर युद्ध बंद हो गया है, समाप्त हो गया है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप। और यह भयंकर यात्रा एक विजयी यात्रा की तरह समाप्त हुई है। ये जो भयंकर युद्ध, ये भयंकर युद्ध देशवासी लड़े हैं आपके नेतृत्व में, वो एक जीत के साथ, एक विजय के साथ समाप्त हुई है। कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट ऑन एग्जॉल्ट। इस उद्देश्य की पूर्ति या विजय मिल चुका है। जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, गुलामी प्रथा समाप्त हो गई है। एग्जॉल्ट, खुशियां मनाओ। ओ सोर्स, ओ रिंग्स, ओ बेल्स। ओ किनारे, ओ अंगूठियां, ओ घंटियां। कहने का अर्थ है कि पोएट हर किसी को बुला रहा है खुशियां मनाने के लिए हर खास शाम को, क्योंकि अब गुलामी प्रथा का समाप्त हो गया है और हर कोई समान है। तो हर किसी को इस खुशी के अवसर पे बुला रहा है खुशियां मनाने के लिए। बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रेड। मॉर्नफुल का अर्थ है संताप और ट्रेड का अर्थ है आगे बढ़ना। लेकिन मैं संताप के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज। उस स्थान पे मैं चल रहा हूँ जहाँ पे मेरा कप्तान, मेरा राष्ट्रपति पड़ा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड। मैं उस स्थान पे चल रहा हूँ जहाँ पे मेरा कप्तान ठंडा पड़ा है, मृत पड़ा हुआ है।